सरकार का एलपीजी गैस पर सब्सिडी कम करने और दाम बढ़ाने के फैसले का विरोध करने के लिए बीजेपी द्वारा पूरे देश में आंदोलन छेड़ा गया। इसी के तहत मुंबई में भी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू खास तौर पर उपस्थित रहे। वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए सरकार के इस फैसले की निर्वसना की और कहा कि यह सरकार आम आदमी के साथ विश्वासघात करने वाली सरकार है। इसलिए पार्टी ने तय किया पूरा देश भर में हम लोग आंदोलन करेंगे। एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर कैप रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। हमारा सरकार जब सत्ता में था एलपीजी सिलेंडर का दाम हमने कंट्रोल किया है, उसमें कोई रेशन नहीं था। उस समय नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट। अभी ब्लैक मार्केट वापस आए, कंट्रोल वापस आए, सब्सिडी वितरण कर रहे और एलपीजी सिलेंडर का दाम 947 रुपीज किया है। इसलिए आम जनता का खिलाफ है। पहले इन्होंने किसान विरोधी नीति अपनाया, बाद में इन्होंने महिलाओं का विरोधी नीति अपना रहे। इसी आज महिला इतना काफी संख्या में आके इसको विरोध कर रहे। 50% आबादी महिला है और सरकार में का नेतृत्व करने वाली भी महिला है। कांग्रेस अध्यक्षा वो क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहे। उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने के लिए वायदा किया, 8 साल पूरा हो रहे, कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस के जमाने में रेप केसेस बढ़ रहे और रेप केसेस के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे और उसका जस्टिफिकेशन कर रहे। उनका प्रवक्ता बता रहे, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हरियाणा में बता रहे, 90% रेप केसेस में महिलाओं के सम्मति के साथ होता है ऐसा। सचमुच ये शर्म का बात है, निंदनीय है। ऐसा वक्तव्य देने व्यक्ति के ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। और साथ ही साथ मित्रों, आज इस समस्याओं का एकमात्र समाधान है जितना जल्दी सरकार जाए तो उतना अच्छा होगा देश के लिए। जनता वेट कर रही, इंतजार कर रहे, चुनाव कभी भी हो सकता है, हम तैयार है चुनाव के लिए। कारण क्या है, इस सरकार में एकता नहीं है और स्पष्टता नहीं है, आपस में ये लोग झगड़ रहे। इसलिए ये जो आज का जो महंगाई का समस्या है इसके लिए कांग्रेस भी और एनसीपी भी दोनों लोग समान जिम्मेदार है। और डीएमके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो बाहर से और अंदर से समर्थन कर रहे कांग्रेस पार्टी को, तो सब लोग इसके लिए जिम्मेदार होगा। नहीं तो वो लोग समर्थन वापस करना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए, नहीं तो वो लोग भी जिम्मेदार हो जाएंगे। भाजपा महिला मोर्चा आयोजित इस आंदोलन में महिला कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध किया। इस वक्त भाजपा की महिला सेना जयवंती मेहता, पूर्व मंत्री राम नाईक और प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मनगुटीकर वार भी मौजूद थे। इस सारे नेताओं ने अपने भाषणों में केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक और गलत नीतियों पर जोरदार प्रहार किया। जब जब कोई नेता कांग्रेस पर तीखे शब्दों में प्रहार करता है, तब तब आंदोलन में शामिल महिलाएं थाली बजाकर सरकार का निषेध विरोध करती है। इस पूरे आंदोलन के दौरान भाजपा नेता जनता को कहते हुए नजर आए कि यह सरकार निकम्मी है।